रूप बदलने के साथ ही लोगों को संक्रमित करने के बाद अपने लक्षणों में लगातार परिवर्तन कर रहा है। ओमिक्रॉन मामले में इसके कुछ नए लक्षण सामने आए थे, अब कोरोना के मामले में कुछ और नए लक्षण सामने आ रहे हैं। अमेरिकी डॉक्टर के मुताबिक भूरे होंठ, स्किन और नेल्स कोरोना के नए लक्षण के संकेत हो सकते हैं। अमेरिकी डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी वार्निंग साइन बताया। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रंग में परिवर्तन को तत्काल मेडिकल अटेंशन जरूर बताया है और महामारी की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका के हेल्थ प्रमुख ने भी इन लक्षणों को आपात मेडिकल देखरेख की जरूरत बताया। हालांकि ओमिक्रॉन के मामले में इस तरह के लक्षणों को चिन्हित किया गया है। CDC ने कोविड के लिए 11 लक्षणों को चिन्हित किया है जिनमें सिर दर्द, गले में खराश और बेचैनी भी शामिल है। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अभी भी 3 लक्षणों को ही चेतावनी के संकेत मान रही है। ये संकेत है बुखार, लगातार खांसी और स्वाद और गंध का आ जाना और NHS होंठ, स्किन और नेल्स के रंग में परिवर्तन को वार्निंग साइन नहीं मानती। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बच्चे के होंठ, स्किन और नेल्स का रंग भूरा, मटमैला, ब्लू या ग्रे हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में सामान्यतः हल्के लक्षण ही दिखाई देते हैं। ये लक्षण है छींक, सिर दर्द, नाक बहना, स्वाद और गंध का जाना, सर्दी, बुखार और गले में खराश। दूसरी ओर नाखूनों का ग्रे रंग का हो जाना आयरन की कमी का खतरनाक संकेत भी है। अगर किसी के नाखूनों का रंग ग्रे हो गया है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर के प्रमुख अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ग्रे स्किन और लिप्स का ये मतलब है कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी सही से नहीं हो रही। इससे अस्थमा, निमोनिया और हार्ट डिजीज का जोखिम है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।